हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम श्रीवास्तव और आप सभी का अनुपम क्रिएशंस में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सिंगल कलर की डिजाइन लेकर के आई हूं, जो कि बनाने में भी बहुत आसान है। इस डिजाइन को डालने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो 10 के मल्टीपल्स में डालेंगे, साथ में 3 फंदे अधिक डालेंगे। अब हम डिजाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। डिजाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पूरी सीधे फंदों से बिनी जाएगी। ये डिजाइन की फर्स्ट रो है जो कि राइट साइड से है। इस रो में हम सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। ये हमने पहला फंदा स्लिप कर लिया और इसके बाद के सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये डिजाइन की हमारी फर्स्ट रो है और राइट साइड से है। पूरी रो जो है वो सीधे सीधे फंदों से बुनी जाएगी। अब हम डिजाइन की सेकेंड रो पर हैं जो कि रॉन्ग साइड से है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इसके बाद के सारे फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इस तरह से पूरी रो उल्टे फंदों से बनाई जाएगी। अब हम डिजाइन की थर्ड रो पर हैं। डिजाइन की थर्ड रो राइट साइड से है। पहला फंदा स्लिप करेंगे और इसके बाद के सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस तरह से 3 रो जो बनाई जाएंगी डिजाइन की वो बिल्कुल सिंपल बनाई जाएंगी। फर्स्ट रो राइट साइड से सीधे फंदों से बनाई जाएगी, सेकंड रो रॉन्ग साइड से उल्टे फंदों से बनाई जाएगी और थर्ड रो राइट साइड से सीधे फंदों से बनाई जाएगी। फोर्थ रो से डिजाइन शुरू होगी जो कि रॉन्ग साइड से है। अब हम डिजाइन की फोर्थ रो पर हैं जो कि रॉन्ग साइड से है। इस रो में हम पहला फंदा स्लिप करेंगे और इसके बाद के 2 फंदे उल्टे बिनेंगे। इस तरह से उल्टे बिन लेंगे। हमें 3 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 फंदा हमने स्लिप कर लिया है, 2 फंदे उल्टे बिन लिए हैं और इसके बाद के 7 फंदे, ये 1, ये 2, 3, 4, ये जो फंदे हैं ये 2 बार ऊन लपेट करके बनाए जाएंगे। सिलाई पर 2 बार ऊन लपेट करके उल्टे बनाए जाएंगे। 5 हो गए हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 और ये 7। 7 फंदे सिलाई पर 2 बार ऊन लपेट करके उल्टे बनाएंगे। फिर 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और फिर 7 फंदे इसी तरह से 2 बार सिलाई पर ऊन लपेट के बनाएंगे। ये 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। फिर 7 फंदे हम इसी तरह से सिलाई पर ऊन लपेट करके 2-2 बार ऊन लपेट करके उल्टे बनाएंगे। ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और फिर 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। अब हम डिजाइन की फिफ्थ रो पर हैं जो कि राइट साइड से है। जो 3 फंदे हमने उल्टे बिने थे उन तीनों फंदों में पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और 2 फंदे सीधे बुन लेंगे। इस तरह से ये सीधे बुन लेंगे। अब ये जो 7 फंदे हैं, ये 7 फंदे में हम ये 4 फंदे इस तरह से खोल लेंगे और इन चारों फंदों को हम पलट देंगे। इस तरह से करके पहले इस तरह से उसी सिलाई पर चढ़ा लेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से पलट देंगे और फिर उसी सिलाई पे चढ़ा लेंगे। ये 4 फंदे हमने पलट दिए हैं और 3 फंदे ये हैं। अब चारों फंदों को फिर से इस सिलाई पे ले लेंगे हम, ये चारों फंदों को, और ये 3 फंदे ये भी खोल लेंगे। ये 7 फंदे हो गए। 7 फंदों को पहली सिलाई पर उतार लेंगे जैसे लिया है हमने पहले। अब इन 7 फंदों से हमें 7 फंदे बनाने हैं। किस तरह से बनाने हैं ये देखिए आप। ये 4 ये हैं और 3 ये हैं। इस तरह से सिलाई डालेंगे, 1 फंदा बिनेंगे, 1 बार ऊन लपेटेंगे, फिर 1 फंदा बिनेंगे। 7 फंदों से हमें 7 फंदे बनाने। 2 हो गए, फिर 1 बार ऊन लपेटा, 4 हो गए, ये 5वां हो गया, ये 6ठा सिलाई पे ऊन लपेटा और ये 7वां बिन लिया। ये 7 फंदे हमें 7 फंदों से 7 फंदे बना लिए हैं। फिर इसके बाद के 3 फंदे हम सीधे बुन देंगे। ये 1, 2 और ये 3, ये 3 बुन लेंगे। फिर उसी तरह से करेंगे, ये 4 फंदे ये पहले खोल लेंगे ये, और उसके बाद इनको जो है हमें पलटना है। ये इस तरह से आप इस तरह से सिलाई डाल करके 4 फंदों को पलट देना है। ये पलट लिया। चाहे इसके बाद आप सिलाई पे 3 फंदे खोल करके एक साथ 7 फंदों को एक सिलाई पे कर सकती है। इस तरह से भी आप कर सकती हैं। ये 7 फंदे हो गए। अब इन 7 फंदों से हमें 7 फंदे बनाने हैं। ये 4 ये हो गए और ये 3 ये हो गए। इस तरह से डाल के सिलाई, ये 1 फंदा सीधा बनाएंगे पहले इस तरह से,
सिलाई पे ऊन लपेटेंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे, फिर सिलाई पे ऊन लपेटेंगे, फिर तीसरा फंदा बनाएंगे सीधा, सिलाई पे ऊन लपेटेंगे, चार बार बुनेंगे और तीन बार लपेटेंगे। ये चौथा हमने बुन लिया है, सात फंदे हमारे हो गए हैं। इसके बाद के तीनों फंदे हम सीधे बुन लेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। डिजाइन की सिक्स रो पर हैं जो कि रॉन्ग साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद के सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। ये रॉन्ग साइड से है, सिक्स रो है, लेकिन इसके सारे फंदे जो हैं ये हमारे इस तरह से बुने जाएंगे सीधे सीधे। बस इसी तरह से हमें पूरी रो बनानी है। ये डिजाइन की लास्ट रो है। इस रो को बुनने के बाद हमारी डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ मैंने सिक्स रो बुन ली हैं और मेरी एक बार डिजाइन कंप्लीट हो गई है। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, इसे आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, आपको मेरी ये डिजाइन पसंद आई हो, इसको बनाने का ढंग और इसको बनाने के लिए समझाने का ढंग पसंद आया हो, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। थैंक्स।